हेलो बच्चों, कैसे हो? आज देखो हम लोग इक्विवेलेंट वेट का पार्ट टू पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट के पार्ट टू में क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉन रेडॉक्स चेंज। उसमें जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। अब इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इक्वेशन है, ये रेडॉक्स चेंज का है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला जब भी निकालना होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ? यू स्टैंड अप, भूल गए? अरे यार पढ़ो। इक्विवेलेंट वेट का जो है फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट, जिसको एम नॉट से इंडिकेट करेंगे, और डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। याद रखिएगा पर मोल बोला जा रहा है यहां पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है? अब थोड़ा सा जान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और सीधा बोलेंगे डिग्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिग्रीज के लिए एरो नीचे, डिग्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट में शॉर्ट में जान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो है क्या होगा यहां पर, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग एरो अपर साइड में, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, या क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल एग्जांपल देख लो। अब जैसे लिखा है बचपन से देख रहे हो ये एग्जांपल, ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को रिएक्शन किए O2 से और बने बन गया यहां पे MgO, बैलेंस कर दोगे, लेकिन इसमें बैलेंसिंग का कोई मीनिंग नहीं है अभी ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास इलेवेंथ में कि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। अब ऑक्सीजन का ऑक्साइड के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड के केस में क्या होता है, माइनस टू। जब इसको ऑक्साइड करके ऑक्सीजन को हम लोग इंडिकेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्नीशियम टू ए ग्रुप का एलिमेंट है, टू ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस टू। और वन ए ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस वन। कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखना पड़ेगा तभी ये बनेगा। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर किस ग्रुप में है, टू ग्रुप में है, इसको याद रख लो, प्लस टू होगा। और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, माइनस टू, एक्सेप्शन को छोड़ दे। अब यहां से मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम मिलाओ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, यहां पे मैग्नीशियम क्या हो गया आपका, जीरो से प्लस टू है, इंक्रीज कर गया। अब इंक्रीज कर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे यहां पर, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। और यहां पे ऑक्सीजन जीरो से माइनस टू डिक्रीज हुआ,
डिक्रीज होगा तो क्या इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, रिड्यूस हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड हुआ एजेंट के बारे में जब बोलना है तब इसको क्या बोलेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पे ऑक्सीजन जो हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल है ना, क्लास 9, 10, 11th इस सभी में हम ये एग्जांपल देखे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, चार्ज देखो एक बार जीरो से क्या हुआ प्लस टू हो गया, तो चार्ज मेरा क्या हो गया बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या गया? देखो मैग्नीशियम जीरो से प्लस टू हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीजन जीरो से माइनस टू हो गया। एक बार चार्ज जो है इंक्रीज कर गया और एक बार चार्ज जो है आपका वो डिक्रीज कर गया। जब इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और जब डिक्रीज करेगा चार्ज तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। यहां पे हम लोग रिडक्शन में क्या देखे, चार्ज हमारा क्या हो गया डिक्रीज कर गया, जो चार्ज है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज सिंपल है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जान गए, थोड़ा सा रिकैप किए हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे। अब यहां पे मेन होगा वैलेंसी फैक्टर निकालना, यही जो है हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ये आपका जो है वैलेंसी फैक्टर है, यही हमारा वैलेंसी फैक्टर है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट वेट, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन कंपाउंड, अंडरलाइन स्पीसीज बोलो, कंपाउंड स्पीसीज आयन वगैरह सब आ जाएगा इसमें, स्पीसीज फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज। यहां पे फर्स्ट है कि ये KNO4 है, KNO4, KNO4 एसिडिक मीडियम में चेंज कहां करेगा, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो गया HIN, ये चेंज करता है MN प्लस टू में। इधर ना ऑक्सीजन दिया है ना पोटेशियम दिया इस साइड में, राइट साइड में, तो किससे हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालेंगे, मैग्नीज का चेक करेंगे यहां पर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी मस्ट रिमेंबर्ड। अब यहां पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, पोटेशियम 1 एक ग्रुप का एलिमेंट है, यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेशियम 1 एक ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए -2, इसका नहीं पता है एक्स निकाल दो। अब क्या होगा 1 + x 4 times है -8 = 0, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है = 0, एक्स बराबर कितना हो गया 7, या एक्स बराबर 7 है, मैंगनीज का क्या हो गया 7 हो गया। अब देखो यहां पर चेंज कितना हुआ है +7 है और ये +2 है, +7 है और +2 है, चेंज कितना करेगा 5, एक मोल है पर मोल बोला जा रहा है, याद रखना यहां पर कितना लिखा हुआ है 1 मोल है। इस चीज को हमेशा रिमेंबर रखो कि पर मोल का निकालना, तो एक मोल में KNO4 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, तब 5 चेंज हुआ, 7 - 2 = 5, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट तो आसानी से निकल जाएगा MO/5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बी। अब जो है यही KNO4 है अलग अलग मीडियम में, यहां बेसिक मीडियम OH क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हमारा हो गया ठीक, और यहां पर इसका हो जाएगा K2MnO4, K2MnO4 चेंज कर गया बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम KOH हो सकता है ना, NaOH हो सकता है, या ये एसिडिक मीडियम हो गया तो एसिडिक क्या हो सकता है HCl भी हो जाएगा, H2SO4 भी हो जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर MN का +2,
बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, केएच या एनएच ले लोगे, अब चेंज करेगा यहां पर कितना होगा प्लस सेवन, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, और यहां से निकाल के देखो पोटासियम वन प्लस वन ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा माइनस टू, और एमएन कितना हो जाएगा एक्स, निकालोगे टू टाइम्स ऑफ पोटासियम टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सिक्स, माइनस होगा सिक्स इधर जाएगा राइट साइड में, प्लस सिक्स हो जाएगा, चेंज कितना कर रहा वन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर कितना निकला सिक्स, जब सिक्स निकला तो इक्विवेलेंट वेट यहां पे कितना होगा बेटे, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा डिवाइडेड बाय वन। अब एक चीज देख रहे हो मैंगनीज यहां भी है, मैंगनीज यहां भी है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल फाइव से यहां पर डिवाइड होगा, यहां पे वन से डिवाइड होगा, तो मीडियम टू मीडियम जो है इक्विवेलेंट वेट जो होगा एलिमेंट का क्या हो जाएगा चेंज होता चला जाएगा, क्लियर है। एक मीडियम और देखो यहां पे है सी, नोट कर लेना, पॉज करके नोट करते जाओ, सब्सक्राइब बेटा जरूर करना बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करते जाना, आपका सब्सक्राइब किया है हमारे एनर्जी लेवल को और हाई करेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा पॉज करके समझो नोट्स बनाओ और सब्सक्राइब जरूर करना। अब है इसका सी पार्ट है K1O4 है, K1O4 न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में जो है K1O4 ये चेंज कर जाएगा MnO2 में, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हम लोग, निकाले हुए थे कितना आया था प्लस सेवन, यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो इसका एक्स हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू, क्लास इलेवन से पढ़े हुए जो यूज हो रहा है यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां निकलेगा कितना है एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फोर। अब देखो फिर कितना होगा चेंज पर मोल, एक मोल में कितना चेंज हुआ, अब यहां देखोगे तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकलेगा K1O4 का एम नॉट डिवाइडेड बाई थ्री, तो इक्विवेलेंट वेट K1O4 का निकल रहा था K1O4 K1O4 एसिड मीडियम एम बाई कितना था फाइव, बेसिक मीडियम एम बाई कितना था एम नॉट अपॉन वन, और न्यूट्रल मीडियम में जो है न्यूट्रल मीडियम में एम नॉट अपॉन थ्री है, कंपाउंड वही है लेकिन मीडियम टू मीडियम जो है इसका ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया चेंज होता चला गया, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा यानी वैलेंसी फैक्टर चेंज हुआ तब क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट चेंज होगा, यही जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल है यही आपका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में K1O4 का एसिडिक मीडियम में K1O4 का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन चेंज वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को वैलेंसी फैक्टर बोल रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कितना होगा वैलेंसी फैक्टर इसका जल्दी बोलो कितना था एम बाई फाइव, यानी फाइव वैलेंसी फैक्टर था, बेसिक मीडियम में कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर वन, और न्यूट्रल मीडियम में कितना हो जाएगा इसका K1O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना था सेवन, और यहां फोर निकला था थ्री, ये वैलेंसी फैक्टर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल है और ये वैलेंसी फैक्टर है। अब ये जो पर मोल का बात है याद रखना जरूर,
कहीं की जो नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे देखो डी है के टू सी आर टू ओ सेवन एसिडिक मीडियम में सीएल प्लस थ्री. अब यहां देखना कि केएमएनओ फोर इसको कंपेयर करा रहे हैं वन मोल में कितना था वन एटम था यहां वन मोल में कितना है दो एटम है ठीक है. तो यहां पे हम लोग एक्स इक्वल टू सेवन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे लेकिन यहां पे अगर निकालोगे तो वन मोल में कितना है ये वन मोल में ये कितना है अरे ये चेक कर लेना एक मोल में कंपाउंड का कितना है. सर क्रोमियम का ही क्यों निकाल रहे हैं पोटासियम और ऑक्सीजन का क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि दोनों तरफ अगर रहता तो पोटासियम का प्लस वन और इधर भी पोटासियम का प्लस वन ये कैंसिल होता ऑक्सीजन इधर भी आया माइनस टू और इधर भी माइनस टू रहेगा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो एलिमेंट सेम है ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. लेकिन एलिमेंट सेम है और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है तो उसी को यहां पे पुट करना है वैलेंसी फैक्टर के नाम पर. एकदम लर्न कर लो माइंड में एक एक स्टेप को पॉइंट बाय पॉइंट ठीक. अब देखो यहां पे निकालेंगे पोटासियम का कितना होगा वन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा माइनस टू. ध्यान से देखना और गप नहीं करो बेटे गप नहीं हर समय गप अच्छा नहीं लगता बेटा ध्यान दो इधर. अब जो है क्रोमियम कितना है दो है तब कितना हो जाएगा टू एक्स लिखेंगे. यहां पे इसका एक्स इसलिए निकाले कि एक मोल में कितना क्रोमियम है सॉरी मैंगनीज कितना है वन है इसलिए एक्स इक्वल टू हम लोग निकाले. यहां एक मोल में कितना है दो अब निकाल लीजिए दो क्रोमियम इसलिए टू एक्स में निकाल रहा है. अब क्या होगा टू प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई करोगे फोर्टीन इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व. यहां पे अब कंपेयर इसके टू एक्स से करना है यहां एक्स इक्वल टू क्रोमियम चार्ज जो रहेगा वही ऑक्सीडेशन नंबर ये थ्री है लेकिन यहां क्रोमियम कितना है दो है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टू से तो कितना हो जाएगा सिक्स टू से मल्टीप्लाई कर दिए. अब यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सिक्स. तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय सिक्स ये इसका सिक्स जो हो गया वैलेंसी फैक्टर हो गया. वैलेंसी फैक्टर कितना निकला है सिक्स. मेन वैलेंसी फैक्टर का खेल है. एक एग्जाम्पल और देखो एक एग्जाम्पल और देख लो एम ए टू एच टू ओ थ्री सोडियम थायोसल्फेट ये चेंज होगा एन ए टू एस फोर ओ सिक्स में. सोडियम थायोसल्फेट चेंज हो गया एन ए टू एस फोर ओ सिक्स में. यहां पर एक मोल में कितना है टू है तो टू एक्स यहां पर लेंगे टू एक्स इक्वल टू सोडियम कितना होता है प्लस वन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा. अब यहां से टू से मल्टीप्लाई करोगे टू टू एक्स हो गया मल्टीप्लाई करें कितना होगा सिक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर. अब यहां पे सोडियम कितना है दो है वन यहां पर कितना है फोर तो फोर एक्स यहां भी सल्फर निकालोगे और यहां पर क्या है ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का माइनस टू. अब टोटल मल्टीप्लाई करो इसको टू प्लस फोर एक्स और कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. फोर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन ठीक है.
इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड से हमेशा कंपेयर करेंगे, इधर कितना है 2x, तो 4x है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, यह भी 2x है। अब कंपेयर करो, बैलेंसिंग फैक्टर कितना निकल गया, बैलेंसिंग फैक्टर 1 निकला। अब इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालना है m नॉट डिवाइडेड बाय 1, ये इसका टेक्निक है। एक चीज यही रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन रेडॉक्स चेन, रेडॉक्स चेन में का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का आपको निकालना पड़ेगा। अब देख लो कि हर बार यहां पर जो क्या हो गया प्लस 4 और ये क्या हो गया प्लस 5। अब बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, चार्ज जब इंक्रीज कर गया तब क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है तो क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो ये तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग हम लोग देख लिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग को निकालना है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। अब क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है जान लो, तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये हम लोग का सेकंड पार्ट है इसका। इसका मीनिंग क्या होगा कि सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक ही साथ एक ही कंपाउंड या स्पेसिस ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस्ड भी करेगा। ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस्ड भी कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जान लो, इसको लिख लेना। इसका मीनिंग ऑटो या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, रिएक्शन में ऐसा एलिमेंट और कंपाउंड जो एक साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों ही करे उसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। अच्छा ये जान गए इसका मीनिंग, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू, पहला काम क्या है हमारा, पहला काम इसको यहां लेना छोटा हो जाएगा, ऑटो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. पहला मोलर मास तो जरूर लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जो भी कंपाउंड होगा एम नॉट से इंडिकेट करोगे. वैलेंसी फैक्टर, इसका मेन है वैलेंसी फैक्टर. इसका जो वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ये इसका मेन चीज है, यानी वैलेंसी फैक्टर ही इसका मेन चीज है. एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और एक ही सब्सटेंस रिड्यूस भी कर रहा है. एक एग्जांपल है दिस प्रोपोर्शनेशन का. यहां पे क्लोरीन देखो माइनस है और प्लस सीएलओ थ्री में. क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में और क्लोरेट में चेंज किया. एलिमेंटल स्टेट में जो भी एलिमेंट, चाहे सोडियम हो, पोटासियम हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, एलिमेंट स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. कंबिनेशन में नहीं है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, ये क्या हो गया? जीरो. और यहां पर कितना लिखा है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो और यहां पे एक्स इक्वल टू माइनस वन. क्लोरीन का कितना निकलेगा बताओ, इसको एक्स मान लो. और ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस टू. माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स और यहां पर क्या लोगे? माइनस वन. अल्जेब्रिक सम जीरो नहीं, यहां पर माइनस वन लेना है जो चार्ज रहेगा. अब यहां एक्स बराबर कितना निकला? प्लस फाइव. तो अब देखो यहां पे क्लोरीन जो है, एक बार इसको कंबाइन किया गया किसके साथ, एक बार इसे कंबाइन किया गया सीएल के साथ. चार्ज बढ़ा के घटा, पावर देखो, चार्ज बढ़ा के घटा, घट गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन. ये रिडक्शन हो गया और जब रिडक्शन हो जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहां पे देखो जीरो से क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया? प्लस फाइव आ रहा है. जीरो से फाइव चार्ज बढ़ गया, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. डेफिनेशन में जो हम लोग पढ़े थे, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी कर रहा है, इसलिए ये ऑटो हो गया. अब इसको दो पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं. देखो यहां पे क्लोरीन है, अलग अलग कर लो. क्लोरीन है किसमें चेंज है? अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन केमिकल रिएक्शन, लॉस और गेन पर मोल कर देना, पर मोल, पर मोल इन केमिकल रिएक्शन हाफ ऑफ लिए. एक बार हम लोग रिडक्शन कर लिए. अब यहां पर कितना है? यहां पर एक क्लोरीन का दिखा है तो दो क्लोरीन हो गया. दो क्लोरीन के लिए क्या हो गया? 2x इक्वल टू जीरो. यहां एक क्लोरीन का था, बैलेंस फॉर्म में दो क्लोरीन है, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस वन. अब माइनस वन होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा माइनस टू और साथ साथ दो क्लोरीन कर दिए. अब अंदर कितना निकला? जीरो माइनस टू इज इक्वल टू कितना होगा? टू. अब टू किस साइड जोड़ेंगे? जिस साइड चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा ऑक्सीडेशन. इधर जीरो है और यहां पर माइनस वन है. जीरो है माइनस वन, टू एक्स के लिए माइनस टू, ये ज्यादा है तो टू इधर हम लोग जोड़ दिए, ऐड कर दिए. यानी ये रिडक्शन हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके सेकेंड टाइम जो है. अब देखो क्लोरीन है यहां पे,
अब क्लोरीन जो है कितना है, इसमें चेंज हो गया CLO 3 माइनस, क्लोरीन 2x के फॉर्म में लिखना 2x इक्वल टू 0, एक बार इसे कंपेयर किए हैं, तो एक क्लोरीन के लिए 0, तो दो क्लोरीन के लिए 2, यहां एक क्लोरीन के लिए प्लस 5, तो दो क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा 10, 2 से इसको भी कर दो। अब देखो यहां पे जो क्लोरीन का निकला 10 और 0, बड़ा कौन है, चेंज निकालोगे 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब यहां पर 10 जो है यार, अब किस साइड है, जहां पे ज्यादा होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज यहां 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इसको बैलेंस करना होगा, जितना ये लॉस किया उतना ही गेन करेगा। इस इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये भी 10 और ये भी 10, है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉन 10 हो गया और ये इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 10 हो गया। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर मोल, एक मोल में यहां निकाले। अब इसको बैलेंस फॉर्म में आप इसको छोड़ दीजिए यहां पे, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहां पे निकाल दिए बैलेंस करके हम लोग, अच्छा एक मोल में 2 था, एक मोल में 0 था। अब देखो इसको काउंट करके क्लोरीन कितना हो गया 5 और एक 6, 6 है Cl2 और यहां पर कितना हो जाएगा 10 Cl माइनस और कितना हो जाएगा 2 ClO 3 माइनस। अब देखो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया, 10 लॉस किया और 10 क्या किया गेन कर लिया, तो लॉस और गेन वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है 10, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूल भाग लिया 6, यहां पे 6 पुट करोगे अब कितना निकलेगा, यहां पे 6 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 बाय 6 5 बाय 3, इसका वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे 5 बाय 3, ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकला, ठीक ओके। अब हम लोग जो है इस सारा इसको देखना पॉज करके, अब इसको बढ़िया से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉज करके नोट्स बनाना, देखते जाना, ठीक है।